झारखंड प्रदेश तेली समाज के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को तेली समाज का प्रतिनिधित्व के तौर पर एक एक प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाती है तो पूरे झारखंड के तेली समाज एकजुट होकर राजनीतिक पार्टियों का विरोध करेंगे और वोट न देने का संदेश देंगे। हम चाहते हैं बीजेपी की तरफ से ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी टिकट दे। उन्हें दूसरी ओर हजारीबाग से अंबा प्रसाद को टिकट देने का काम इंडिया गठबंधन के लोग करें। हम लोग उनको पूरा समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि तेली समाज का वर्चस्व कायम रहे। लोकसभा चुनाव होने वाली है, उसमें राजनीतिक भागीदारी के विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, झारखंड प्रदेश में तेली समाज की जनसंख्या 18% है और पूरे झारखंड की कुल आबादी अगर बात कीजिएगा तो 3.5 करोड़ है, और जिसमें आबादी के हिसाब से हम लोग की जनसंख्या करीब 50 लाख की है। और झारखंड अलग हुए 24 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक इस जाति को राजनीतिक रूप से भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिल पाई है। हमारी 50 लाख की आबादी होते हुए भी हम लोग आज के समय में ठगा हुआ महसूस करते हैं। चाहे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात हो, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात हो, या फिर क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम आसू, या तमाम राजनीतिक पार्टी जो झारखंड में सक्रिय तौर पर राजनीति करती है, सभी राजनीतिक पार्टी में इस समाज को राजनीतिक अधिकार के नाम पर ठकने या छलने का काम किया है। सीधे तौर पर बात कहूँ तो तेली जाति के लोगों को बंधुआ मजदूर के रूप में, बंधुआ वोटर के रूप में यूज किया जा रहा है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर करना चाहते हैं, क्योंकि इस पार्टी को हमारे समाज का एकमुश्त वोट हर समय मिलते आया है, और भारतीय जनता पार्टी केवल हमारे समाज के लोगों को केवल वोटर और वर्कर के रूप में ही यूज किया है, कभी भी राजनीतिक अधिकार देने का काम नहीं किया है। झारखंड जब से बना है अभी 24 साल हो चुका है, और एक भी लोकसभा टिकट हम लोग को आज तक 24 झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, लेकिन आज तक कभी भी लोकसभा में हम लोग के जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका कभी नहीं दिया गया। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।